प्रदेशवासियों, सतपुड़ा भवन में फिर आग लगी। मतलब 50% कमीशन की सरकार ने अपने भ्रष्टाचार के एविडेंस को जला दिया। ये आग पहली बार नहीं लगी, ये आग इससे पहले 18 सितंबर 2018 को लगी थी, कई विभागों में लग चुकी है। ये बार बार आग सतपुड़ा भवन मध्य प्रदेश में ही क्यों लगती है? सर्वे कांग्रेस के पक्ष में है, आम जनता में मैसेज है कांग्रेस की सरकार आ रही है। शिवराज जी के कुशासन से लोग थक गए हैं। आपस में जब आप लोग बात करें तो ये जरूर कहते हैं कि यार शिवराज रहेंगे तो बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती। इस भावना को सरकार भी समझ चुकी है। अब देखो सतपुड़ा भवन में फिर आग लगी, ये आग है क्या? 50% कमीशन के एविडेंस को जला दिया गया है। मध्य प्रदेश के वासियों, क्या हमारे मुख्यमंत्री से ये जवाब दे ही नहीं कि पिछली बार जो आग लगी थी उसके दोषी कौन थे, कितने को सजा दी, किसको इसके लिए दोषी ठहराया गया, आरोपित किया गया, मुकदमा चला गया, जेल भेजा गया? एक भी नहीं। फिर आग लगी है, किसने लगाई आग, क्यों लगी आग, इसके कारणों पर जाएंगे ही नहीं। इसका मतलब है कि शिवराज जी ने जो भ्रष्टाचार उनकी सरकार ने किया इसके एविडेंस को मिटाना है, इसलिए सतपुड़ा भवन की आग लगाना है। प्रदेशवासियों समझो, जागो और इनको सजा दो। धन्यवाद।